सबको हैप्पी करवा चौथ, और करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी सुहागिने हैं सबकी सुहाग की आयु लंबी हो, तो करवा चौथ व्रत हम इसीलिए करते हैं। तो चलिए इसी साथ वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल अनमु स्पेशल एंड ब्लॉग्स। कैसे आप सब, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारा वीडियो बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और मैं बैठ गई हूँ पूजा करने, मेरे को हॉस्पिटल से आते आते बहुत लेट हो गया था, मैंने पूजा बहुत ही लेट की थी, 8:30 बजे मैं पूजा की थी, तो बहुत अच्छे से नहीं सूट हो पाया, बट जितना भी हो पाया मैं आपको दिखा रही हूँ। और कृषि को बहुत तेज़ फीवर हो गई थी रात में, मेरे को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बट कोई नहीं, पूजा है तो करने ही, अच्छे से करने हैं। और मेरी फ्रेंड सब थी ना, तो वो सब बहुत हेल्प करके बहुत मतलब जल्दी से हो गया। तो ये मैं पूजा के वो बहुत ही ऐसे मतलब जो स्टार्टिंग से है ना वो आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि कृषि के पीछे लग के दवा देना ये सब चीज़ें थोड़ा सा ये हो गया था, बट कोई नहीं, सब अच्छे से हो जाता है। और यह प्रसाद मैं चढ़ाने लगी, और अच्छा हुआ था कि मैं प्रसाद वगैरह परसों ही रात को मंगा ली थी एक दिन पहले ही, ताकि ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि कृषि का तबीयत एक दिन पहले से ही ख़राब हो चुका था। और कृषि को हमने सोफे पर बैठा दिए हैं मोबाइल देखे, क्योंकि वो ऐसे सारे प्रसाद को देख के बोल रहा था कि खाई खाई चाहिए, खाई खाई चाहिए, तो इसलिए हमने मोबाइल दे दिए हैं। और यहाँ पे भगवान जी को भोग लग रहे हैं। यहाँ पे करवा चौथ के दिन करवा माँ का पूजा होता है, और महादेव गौरी का पूजा होता है, और चंदा मतलब जो निकलता है चंदा उसका पूजा होता है। तो ये चीज़ों की पूजा करते हुए, और मैंने आज जब भी आई ना करवा चौथ के दिन, उसी दिन मैं करवा भी लेते हैं, आप वो वीडियो तो देखे ही होंगे हॉस्पिटल से लौटते वक्त। और ये हमने चढ़ाने शुरू कर दिए श्रृंगार का सामान, जिसमें है साड़ी और इसमें कुछ है चूड़िया, आप आराम से देखो कि इसमें क्या क्या है। 5 सुहागन के लिए चूड़िया भी है, और सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, अलता जो भी होते हैं वो मैंने सारे जितने भी पॉसिबल हुए हैं मैंने चढ़ाए हैं। और इसमें है 2 जुड़वे, जिसको बिछिया भी बोलते हैं, बिछिया जुड़वे, तो ये बिछिया हुए, और ये है मंगलसूत्र। तो यही आपके लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि मैंने एक मंगलसूत्र लिया है, अब ऐसे हल्की पतली सी मंगलसूत्र हमेशा पहनने के लिए, और ये नेल पेंट है। तो ये मैंने जो भी है श्रृंगार का सामान चढ़ा दिए हैं, और पूजा कर लेती हूँ। और करवा माता से यही प्रार्थना है कि हमेशा सुहाग बना रहे, और इतने ही है हम बहुत सुहाग श्रृंगार करें, और हर एक साल माता करवा की पूजा करें। और ये हमने प्लेट और छन्नी बनाई है, जो कि आपको मैं दिखा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को पे सर्च करके आप देख ले, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये प्लेट कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है ये भी बताना कमेंट करके। ये हमारी सुंदर सी प्लेट बिल्कुल ही रेडी है, रेड रेड कलर के अच्छे लगते हैं, रेड कलर के करवा, रेड कलर के प्लेट और छन्नी वगैरह। तो मैं ये फ्लावर से डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम जाएंगे टेरिस पे तो फ्लावर भी लगेंगे पूजा करने के लिए, तो मैं वहीं कर रही हूँ, और तुलसी पत्ता भी हमारे प्लेट में। तो ये सारी चीज़ें मैंने पूजा पे चढ़ा दिए हैं। और पहले यहाँ पे लगा लेते हैं नाक से सिंदूर, क्योंकि जो भी सुहागन वाला पर्व होता है या सुहागन होने के बाद नाक से सिंदूर करके पूजा करो तो ज़्यादा ही सुंदर लगने लगता है, चेहरे पे वो रौनक आ जाती है। सुबह से उपवास रखो तो थोड़े से चेहरे मुरझे मुरझे से भी दिखने लगते हैं, बट जो श्रृंगार करने वाले रौनक आती है वो तो अजब ही खूबसूरत सा लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, और हमारे पूजा यहाँ पर जो हो रहा है वो कैसा लग रहा है। मैं जल्दी जल्दी मैं पैर महावर सब लगाई हूँ, ये हमारा ऊपर ले जाने के लिए टेरिस पे प्लेट रेडी है, और इसमें मैं रख रही छन्नी और गिलास में है पानी। तो अभी ये सब चीज़ें तैयार हो गई है, अभी हमें पढ़ने हैं कथा, तो कथा के लिए थोड़ा सा पूजा वगैरह कर लेते हैं, घर पे वीडियो कॉल वगैरह कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो हमने पूजा के बीच में माँ को कॉल किया, बात किया, और उनसे आशीर्वाद भी लिया सदा सुहागन होने का। और यही हमारा सुहागन की चीज़ें हैं जो कि मैंने माता जी को चढ़ाए हैं,
और ये हमारे सुंदर से प्लेट हैं चमकते धमकते, तो कैसे ये सब चीज़ें ना अच्छी लगती है चमक धमक वाली, थोड़ी सी रात की जो भी पर्व होती है ना तो ऐसे इस तरह से सजावट कर लो तो अच्छी लगती है। और मैंने एक ही दिया लगाए हैं क्योंकि दूसरी तरफ से लगाने में कुछ ऐसे लग रहा था कि बहुत सारे इसमें सुनना होता है कि पढ़ना होता है, सुनना होता है। करवा चौथ व्रत कथा, यह व्रत अति प्राचीन है, इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यशाली सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना जाता है। महिहरिन सात भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरव, पार्वती आदि की देवताओं को भी चित्र बनाया जाता है। चौथ बनाने में कोई असुविधा है तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। आपकी सुविधा करवा चौथ व्रत। जय शिव ओंकार, मैया जय शिव ओंकार, के डैडी से पूरा कथा नहीं पढ़ा गया हिंदी सेंटेंस, तो मैंने आखिरी में कथा पढ़ लिया और मेरी फेर से भी आ गई है। और यहाँ पे हम करवा फेर रहे हैं, करवा में फेर के बोलते हैं करवा ले करवा दे सात सुहागन करवा दे। तो ये सुहाग के लिए करवा चौथ के दिन यही मंत्र का जाप करके हम पूजा करते हैं। तो सात बार ये करवा को एक दूसरे से बदलते हैं, ऐसे ग्रुप में करें तो एक करवा से ही हो जाता है, लेकिन हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है करवा चौथ की पूजा के लिए, तो हमने अकेले ही किए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कोई और साथ में रहे तो और ही अच्छा लगता है। तो चलो अभी ये वीडियो को ये जो लास्ट तक है आप देखो, और टेरिस पर जाने के बाद क्या क्या होता है। और मेरा पूजा करते करते 10:30 बज गया था, मैंने पानी 10:30 बजे पिया क्योंकि नीचे ही बहुत लेट हो, चंद्रमा तो आ गए थे शायद 8 बजे तक ही आ गए थे, बट मैंने 8 बजे से ही पूजा शुरू किया था तो मुझे पूजा करने में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा फोटो वगैरह शूट होने लगा, ऐसे ही सब चीज़ों में थोड़े से टाइम लग गए। तो चलो अभी चलते हैं ऊपर, ऊपर जाके फिर देखो कि क्या क्या होता है। टेंपल है वहाँ पे, टेंपल है वहाँ पे। टेम्पल है, क्या है टेम्पल, आइए जी, अब दिख रहा है नहीं तो सुने एक अब दिख रहा है <नहीं। laughs>
और कर हमारी करवा चौथ की पूजा तो यहीं रही छोटी सी, और इसकी एक छोटी सी झलक मैं आप लोग को भी दिखा रही हूँ कैसा रहा हमारा पर्व, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार और सबको हैप्पी करवा चौथ एंड टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।